हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम नेम है एमसी इंडिया ऑफिशियल। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मिक्सर एलिगेशन का, हम लोग टाइप थ्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन में लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन ए है 6, आपका ऑप्शन बी है 4, और आपका ऑप्शन सी है 3, और आपका ऑप्शन डी है 5। आप नोट्स बनाते चलिएगा डे बाय डे। ठीक है, हम मिक्सर एलिगेशन का लगभग 4 और 5 क्लास और करने वाले हैं, तो बिना देरी का सब नोट्स बनाते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, जिससे जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय ना लगे। चलिए, इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास है 30 सेकेंड, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए आप। जल्दी जल्दी सभी सॉल्व करें। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा है। दे आर टोटल 10 पेट्स। कितने पेट्स है हमारे पास? 10 पेट्स है। सम आर डॉग्स एंड कैट्स। कुछ उसमें क्या है, कुछ डॉग्स है कुछ कैट है। डॉग्स ईट 6 बिस्किट्स। डॉग्स कितना बिस्किट खाता है? 6 खाता है। एंड कैट ईट 5 बिस्किट्स। कैट कितना खाता होगा? 5 खाता होगा। इफ देर आर टोटल 56 बिस्किट्स, टोटल कितने बिस्किट्स है? 56, देन फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स। और पता हमें क्या करना है, डॉग्स को पता करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए। देखिए, हम पहले क्या करते हैं, जो डाटा दिया वो लिख लेते हैं। आपका डॉग और कैट कितना दिया हुआ है? डॉग प्लस कैट कितना दिया हुआ है आपका? 10 दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया। और बिस्किट कितना दिया हुआ है? बिस्किट देखिएगा, बिस्किट आपका दिया हुआ है आपका 56 दिया है। चलिए, हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन देखिए, पहले एक एलिगेशन मेथड बना लेते हैं, फिर एक और मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक डॉग हो गया और एक कैट हो गया। डॉग कितना बिस्किट खाता है? 6 खाता है। और कैट कितना खाता है? 5 खाता है। और बीच वाला वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए टोटल 10 है, अब इसकी 56 है, तो 56 को अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 5.6 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5.6 हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका 5.6 है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए, माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0.4। अब यहाँ से हम डिसिमल से जीरो हटा सकते हैं, दोनों में एक ही के बाद आते हैं। यहाँ से हम जीरो हटा देते हैं, यहाँ से ये जीरो रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से ये जीरो रिमूव कर देते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3:2। इतना समझ में आ गया, ये 3:2 हो गया है। कितना टोटल है? टोटल 5 है, पर पेट्स कितना दिया हुआ है? ये 5 है, पर पेट्स देखिएगा यहाँ 10 दिया हुआ है। तो 5 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो ए का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कितना है। ए का वैल्यू अगर 2 है तो पता क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स। डॉग्स हमको पता करना है। देखिए, डॉग का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और एक का वैल्यू 2 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, यही हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसे एक और मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन सा मेथड। देखिए, एक और मेथड है, करें क्या, मान जी हम लोग क्या करते हैं, मान जी ये आपका डॉग्स हो गया। ठीक है, ये आपका डॉग्स हो गया, ये क्या हो गया आपका? कैट्स है। ठीक है, डॉग्स को क्या मान लेते हैं कि कितना है, एक्स है। मान लीजिए एक्स, हम लोग पता नहीं कितना डॉग है। अगर डॉग एक्स है, ठीक है, या टोटल 10 है, तो कैट कितना हो जाएगा? तो आपका 10 - 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। एक चीज़ और देखिएगा, डॉग कितना बिस्कुट खाता है? तो मान लीजिए और एक्स एक डॉग का है, तो एक डॉग कितना बिस्कुट खाता है? 6 खा जाता है। इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैट कितना बिस्कुट खाता है? तो कैट देखिएगा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल बिस्कुट कितना खा रहा है? टोटल देखिएगा आपका 56 खा रहा है। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तभी ना 56 होगा। दोनों खा रहा है तभी ना टोटल बिस्कुट आपका 56 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा, प्लस 50 माइनस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। तब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, या 56 - 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 है। हम पता है हम लोग एक्स का किसका वैल्यू रखे थे, डॉग का रखे थे। तो एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स हम लोग नंबर को माने थे। एक्स किसको माने थे हम लोग, नंबर को, जो यहाँ पे एक्स दिख रहा है किसको हम लोग माने थे, नंबर को, नंबर ऑफ डॉग है। तो हम लोग निकल गया नंबर ऑफ डॉग, कितना गया नंबर ऑफ डॉग, 6 आ गया। अब वही हम लोग नंबर ऑफ कैट पूछा रहता था, टोटल
टोटल आपका 10 है, ये डॉग है ठीक है। और कैट पूछा रहता था क्या करते हैं, कैट पूछा रहता क्या करते हैं, 10 माइनस x करते तो कैट निकल जाता था, 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ गया था। किस चीज़ का वैल्यू निकल गया, तो आपका कैट का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे हम निकाल लेंगे लोग, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और एक बार देख लीजिए ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मूव करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए ठीक है। इसका ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है आपका 85, ऑप्शन बी है 80, आपका ऑप्शन सी है 90 और आपका ऑप्शन डी है 95। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, आपको मिलता है 30 सेकेंड। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी सॉल्व करें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। आपके घर में जितने भी फोन है सभी फोन से आप सब्सक्राइब कर दो ठीक है इस चैनल को। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सभी को एक बार ट्राई करें ठीक है। सभी को ट्राई करना है, सभी एक बार ट्राई करें कृपया। चलिए अब आपका समय हुआ सवाल ठीक है, अब मैं सोल्व करता हूँ इसे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या करा है ठीक। क्वेश्चन क्या करा है, इन अ पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर्स। एक पार्किंग है जिसमें क्या है, दो टाइप के व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है और एक 4 व्हीलर्स है। इफ व्हील्स आर काउंटेड देयर आर 520 व्हील्स। व्हील्स कितना दिए आपका, 520 व्हील्स दिया था, यहाँ लिख लेते हैं ठीक है। व्हील्स आपका कितना है, 520 ठीक है। बट इन इन चार्ज ऑफ पार्किंग टोल्ड मी दैट दे आर ओनली 125 व्हीकल्स। टोटल व्हीकल्स कितना है, टोटल व्हीकल्स कितना आपका 175 है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, इफ नो व्हीकल्स स्टेपनी, स्टेपनी मतलब होता है किसी के पास एक्स्ट्रा चक्का नहीं है ठीक है, देन द नंबर ऑफ 2 व्हीलर। अब लोग क्या करना, पता क्या करना, हम लोग 2 व्हीलर पता करना है। इतना आपको समझ में आ गया था। देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए 2 व्हीलर ठीक है। ये क्या है आपका, 2 व्हीलर है, ये आपका क्या हो गया, ये 4 व्हीलर है। तो देखिए 2 व्हीलर में क्या होता है, 2 व्हीलर को हम मान लेते हैं क्या, देखिए 4 व्हीलर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ठीक है। तो 2 व्हीलर क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए 4 व्हीलर का क्वांटिटी एक्स है और टोटल व्हीकल्स 175 है ठीक है, 125 है, तो उसमें से एक्स माइनस कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा 2 व्हीलर। तो क्या करेंगे, इसमें से 175 में से माइनस किसको कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। अब एक चीज़ देखिएगा, 4 व्हीलर पास कितना चक्का होता है, एक चीज़ बताइए, 4 व्हीलर पास कितना चक्का होता है, 4 व्हीलर के पास होता है 4 ठीक है, और 2 व्हीलर पास कितना होता है, 2 व्हीलर पास होता है 2। अब एक चीज़ और देखिएगा, क्वेश्चन कितना करा है, टोटल व्हील्स कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका व्हील्स चक्का निकल जाएगा, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 व्हीलर में तो इसका चक्का निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चक्का कितना दिया हुआ है, टोटल आपका चक्का दिया हुआ है 520। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 350 माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520। इतना समझ में आ गया। चलिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ठीक है 520 माइनस 350 हो जाएगा ठीक है। तो अब इसको जब कीजिएगा तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा ठीक। यहाँ 2 से काटिएगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 2 से काटिएगा तो जाएगा आपका 85 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 85 आपका आ गया। पर x हम लोग क्या माने, x देखिएगा हम लोग 4 व्हीलर को x माने हैं, किसको x माने हम लोग, 4 व्हीलर्स को। यहाँ पे जो देखिएगा एक सब किसको माने हैं, यहाँ पे एक तो 4 व्हीलर है, तो एक अगर 4 व्हीलर 85 है, किसका संख्या है, 4 व्हीलर का है, ये 4 व्हीलर है आपका, क्या है, 4 व्हीलर है। पर क्वेश्चन हम लोग क्या फाइंड करना है, 2 व्हीलर फाइंड करना है, 2 व्हीलर फाइंड करना है। और आपको पता हो कि टोटल व्हीकल्स 175 है ठीक है, 175 है, उसमें से आपका 85 4 व्हीलर है, तो आप 2 व्हीलर निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, 175 में से क्या करेंगे, 85 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना निकल जाएगा बताइए, कितना निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा, 90 आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 व्हीलर है, तो 2 व्हीलर क्या हो जाएगा, 90 आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का, देखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को ठीक है, देखने में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लगता होगा लेकिन हम इजी सॉल्व कर लेंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है, इजीली मतलब इजीली सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, इसको आप ट्राई कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिए। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जब रेशियो प्रोपोर्शन का आप लास्ट वीडियो देखिएगा उसमें हम लोग एक ट्रिक बताया था। चलिए इसका ऑप्शन मैं लिखता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए सोल्व करने का। आपका ऑप्शन ए है 66, आपका ऑप्शन बी है 60, आपका ऑप्शन सी है 40, और आपका ऑप्शन डी क्या है, आपका ऑप्शन डी है 45। अब तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। सभी को कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, सो मैं बताने के लिए हूं ना, आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, सो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। जल्दी जल्दी सभी को ट्राई करें। चलिए सभी को जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसे। चलिए देखिए आपका समय हुआ है समाप्त, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, क्वेश्चन क्या करा है, इन अ जू देयर आर सम पिजन्स एंड रैबिट, क्या है, कुछ पिजन्स हैं और कुछ रैबिट है। नंबर ऑफ हेड्स आर काउंटेड, देयर आर 100 हेड्स, कितने हेड्स हैं, 100 हेड्स है, ठीक है। इफ देयर लेग्स आर काउंटेड, देयर आर 320, लेग्स कितने हैं, 320 है। क्वेश्चन पूछ कर रहा है हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, हम लोग पता क्या करना है कि पिजन्स कितना है, ये हम लोग को पता करना है। तो जो जो डाटा है वो लिख लेते हैं। देखिएगा पिजन और रैबिट्स कितने हैं, पिजन और रैबिट्स की बात की जाए तो टोटल अगर 100 हेड है, अगर 100 उनके पास सी रहता मतलब 100 है वो, और लेग्स इनके पास कितना दिया होता है, लेग्स देखिएगा आपका कितना दिया हुआ है, लेग्स आपका दिया हुआ है 320। इतना समझ में आ गया आपका। एक चीज चलिए, एक मेथड जो पिछले वाले मेथड से बनाए थे उससे पहले सोल्व कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पिजन लिख लेते हैं, यहाँ रेबिट लिख लेते हैं, पिजन का हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, रैबिट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, हमेशा जिसके पास ज्यादा पैर होता है उसको एक्स मानिए, जिसका ज्यादा नंबर होता है उसी से स्टार्ट करेंगे एक्स मानना, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं लोग। अब मान लीजिए टोटल अगर 100 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 100 माइनस x कर देंगे तो आपका पिजन निकल जाएगा, 100 माइनस x कर देंगे तो पिजन निकल जाएगा। अब देखिए कि डाटा क्या है, रैबिट पास कितना पैर होता है, तो 4 होते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। पिजन पास कितने होते हैं, पिजन पास 2 होते हैं, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या दिया है 320, कितना दिया हुआ आपका, 320 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 200 माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 320 हो गया। इतना तक आपको समझ में आ गया, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसके 2x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 60 आ गया। तो 60 क्या निकला हम लोग का, 60 हम लोग का निकला, देखिए x किसका वैल्यू दिया हुआ है, x रैबिट है, तो x जो आया है 60 किसका वैल्यू है, रैबिट का है, रैबिट का। पर क्वेश्चन वालों ने पूछा क्या है, हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है पिजन, क्या निकालना है हम लोग को, पिजन फाइंड करना है, पिजन फाइंड करना है हम लोग को। और आपको पता है कि अगर टोटल टोटल जो बर्ड है चिड़ियाघर में जो कुछ भी है दोनों 100 है, जिसमें से रैबिट कितना है, रैबिट आपका 60 है, तो आप निकाल लीजिएगा कि पिजन कितना होगा, तो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर लेंगे 60, तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40 क्या हो जाएगा आपका, पिजन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। पहले देखिए हम लोग यहाँ यहाँ वो चीज दिखेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक चीज दिखेगा जिसका सबसे ज्यादा पैर होता है, तो देख लीजिएगा पैर हम लोग किसका होता है, चार पैर वाले जानवर का नाम लिख लेंगे, चार पैर वाले जानवर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेग्स को, लेग्स जितना दिया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और माइनस यहाँ क्या करेंगे, जितना हेड दिया होगा उसको कर देंगे, तो हम लोग जो चार पैर वाला जानवर है वो निकल जाएंगे। चार पैर वाला जानवर कौन है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे चार पैर वाला जानवर कौन है, रैबिट है। और लेग्स आपको पता है कितना दिया है, 320 दिया हुआ है, सो 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस हेड कितना दिया हुआ है, हेड दोनों मिलाकर 100 दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो 160 टाइम हो जाएगा। 160 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, रैबिट आपका कितना निकल गया, रैबिट आपका निकल गया 60। यहाँ से आपका क्या निकल गया, यहाँ से आपका रैबिट निकल गया, जब समझ गया जो हम लोग यहाँ पे भी आया है रैबिट, जब रैबिट आपका 60 निकल गया है, तो आप पिजन की भी संख्या निकाल सकते हैं,
पिजन की संख्या कैसे निकालेगा, मान लिए रैबिट 60 है, टोटल 100 है, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिजन का संख्या निकल जाएगा, तो पिजन आपका क्या हो जाएगा, पिजन आपका 40 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे, ये थोड़ा आसान है ठीक है, ये ट्रिकी है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इसके लिए पास आपके पास ऑप्शन है 12, ए ऑप्शन क्या है आपका 12 है, और बी ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन 7 है, और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन 10 है, और डी ऑप्शन आपका रहेगा नॉन ऑफ दीज। चलिए इसको फाइंड कीजिए आप, डी आपका ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज दिया हुआ है, चलिए फाइंड कीजिए इसको आप। एक और ऑप्शन लिख लीजिए ई, ये आपका 9 है, चलिए इस बनाइए आप, जल्दी से बनाइए। सभी किसी को सॉल्व करना है ठीक है, कोई बैठेगा नहीं, एक बार खुद से ट्राई तो करो, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा ना, उसके बाद आप सीख जाओगे ठीक है, एक बार तो खुद से आप ट्राई करो कम से कम, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बनाता हूँ, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कहीं नहीं भूलिएगा ठीक है, आप नोट नोट्स करते नोट्स बनाते जाइएगा ठीक है, आप हर एक चैप्टर का नोट्स बनाइए और उसे रिविजन करने में आपके लिए बेनिफिट होगा। जल्दी सोल्व करो यार, चलो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सम ऑफ आर एस 750, सम कितना दिया 750 है टोटल ठीक है, इज मेड ऑफ 21 कॉइंस, टोटल कॉइंस कितने हैं 21 कॉइंस, यानी बैग 25 पैसा है, एक सेकेंड कहीं होगा ठीक है 25 पैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 पैसा हो जाएगा, ये क्या है आपका एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा ठीक है, या 25 नहीं होगा, ये आपका 50 हो जाएगा ठीक है। चलिए बनाते हैं, देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सम ऑफ आर एस 750 दिया हुआ है, इज मेड ऑफ 21 कॉइंस, कितना कॉइंस दिया हुआ है 21 कॉइंस दिया हुआ है, इसमें बैग में क्या है 25 पैसे का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है हाउ मेनी कॉइंस आर देयर ऑफ 50 पैसा, अब 50 पैसा कितना कॉइंस है यही हम लोग को बताना है, देखिए टोटल सम कितना दिया हुआ है, और देखा जाए टोटल कॉइंस पर लिख लेते हैं, तो टोटल कॉइंस देखिएगा, टोटल क्वाइंस आपका 21 है, इतना आपको समझ में आ गया, और टोटल पैसा कितना है, टोटल अगर पैसा देखा जाए 750 है ठीक है, और इसको यहाँ से डिसिमल हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, और इसमें पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 750, ये पैसा हो जाएगा ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सिक्का है, टू टाइप्स का पैसा है, तो क्या है आपका, इसको 25 पैसा लिख लेते हैं, इसको 50 पैसा लिख लेते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक को क्या करते हैं, एक से मान लेते हैं, तो एक हमेशा जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको मानेंगे, किसको मानेंगे, हमेशा बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको मानेंगे, चलिए यहाँ पे एक किसको मानेंगे, एक से यहाँ आप 50 पैसा को मान लीजिए ठीक है, और टोटल आपके पास मानिए 21 कॉइन्स है ठीक है, टोटल आपके पास 21 कॉइन्स है, उसमें से एक क्या है 50 पैसा है, तो 25 पैसा किसे निकालिएगा, 21 माइनस एक्स कर लीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। एक चीज यहाँ देखिएगा, एक कितने पैसे के बराबर है, एक से आपका 50 पैसे के बराबर है, यही क्या है आपका 25 पैसा, और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये दोनों को जोड़ा जा रहा था टोटल पैसा कितना हो रहा था, टोटल पैसा यहाँ देखिएगा 750 हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 750 आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 25 से 21 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 5 2 5 ठीक है, -25x हो जाएगा, +50x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 750 होगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 750 -525, ये कितना आपका आ जाएगा 25x इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 25x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा, अब इसको इससे काट दीजिए तो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो आपका जाएगा 9 टाइम्स में ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स इज इक्वल टू 9 आया, और क्वेश्चन क्या पूछा 50 पैसा पूछा ठीक है, तो एक्स किसका वैल्यू है यहाँ पे, तो एक्स हम लोग किसको माने हैं ठीक है, एक्स माने 50 पैसा का, तो हमको आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और क्वेश्चन में पूछ दिया रहा था बाई चांस ठीक है कि 25 पैसा कॉइन्स का वैल्यू बताओ, तो आपको पता है 21 टोटल कॉइन्स है, टोटल कितना है 21
21 क्वाइंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसमें से 9 9 कितना है, 50 पैसा है, ठीक है 50 पैसा है। अगर 9 50 पैसा है तो 25 पैसे का क्वाइंस कितना हो जाएगा, तो 21 में से 21 में से 9 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 25 पैसा क्वाइन कितना हो जाता है, पर 12 आंसर होता है। पर क्वेश्चन हम लोग पूछा किसका है, बस हम लोग पूछा 50 पैसा, तो एक्स किसका वैल्यू आपका, एक से यहाँ पे देखिएगा 50 पैसा का वैल्यू है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है इसको आप बनाओ, ठीक है ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो सॉल्व करने का। आपका ऑप्शन है 20, आपका ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है आपका 30 और ऑप्शन डी है आपका 37। चलिए आप सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, पिछला क्वेश्चन जो आपने बनाया है उसी बेस पे है, ठीक है ये भी क्वेश्चन है तो सभी को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करा, मैं एक बार क्वेश्चन याद रहा हूँ ठीक है, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, अ लेबर इज एम्प्लॉयड फॉर 30 डेज, कोई लेबर है वो कितना दिन काम करता है, 30 डेज काम करता है, उसका मतलब नौकरी बाद 30 दिन के लिए। ऑन एवरी वर्किंग डे ही गेट्स RS 10, मतलब जिस दिन काम करता है उसको कितना रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है। एंड एवरी लीव RS 2 इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज वेजेस, और जिस दिन काम नहीं कर रहा है तो उसको पैसा में से 2 रुपये घटा दिया जा रहा है, ठीक है यही क्वेश्चन दिया हुआ है। एट द एंड ही गॉट 260, मतलब मंथ के लास्ट में उसको जो पैसा मिला है, रुपया मिला है, कितना मिला है, 216 रुपये मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अब कितना दिन काम किया यह हम लोग को पता करना है, ठीक है यही हम लोग को पता करना है। देखिएगा पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए इसको बनाइए आप, देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये ऑप्शन आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है हेलो बनाते हैं, देखते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया है। चलिए बनाते हैं, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका एम्प्लॉयड कितने दिन का हो रहा है, मतलब 30 दिन काम कर रहा है, टोटल जो काम चल रहा है कितने दिन काम चल रहा है आपका, 30 डेज का काम चल रहा है, ठीक है इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक और चीज देखिएगा दिया हुआ है, जो टोटल उसको पैसा मिला कितना मिला है, टोटल उसको जो पैसा मिला है कितना मिला है आपका, 216 मिला है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है टू टाइप्स का उनका वर्क हो रहा है, एक हो रहा है कि जिस दिन वो काम कर रहा है, मान लीजिए एक वर्किंग हो गया इसीलिए उसको पैसा मिल रहा है, ये क्या हुआ, एक नॉन वर्किंग हो गया, नॉन वर्किंग, इतना आपको समझ में आ गया, ये नॉन वर्किंग है। तो वर्किंग मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, 1 दिन काम किया, ठीक है वर्किंग में कितना दिन किया आपका, 1 काम किया मान लीजिए, और 30 दिन टोटल काम चल रहा है और 1 दिन काम किया है, तो जितना दिन काम नहीं किया उसके लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 1 कर लेंगे, 30 माइनस 1 कर लेंगे। तो एक चीज देखिएगा वर्किंग के लिए कितना रुपया मिल रहा है, तो वर्किंग के लिए कितना मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, और जिस दिन काम नहीं कर रहा उस दिन कितना हो रहा है, 2 रुपये कम मिल रहा है, ठीक है जिस दिन काम अगर नहीं हो रहा है उस दिन 2 रुपये मिल रहा है, ठीक है जिस दिन काम नहीं हो रहा है दो माइनस 2 रुपये मिल रहा है, तो 2 रुपये कम हो जाए उसके, तो यहाँ क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल पैसा उसको कितना मिला, टोटल पैसा मिला 260। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ प्लस लगाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आगे लगा हुआ है, तो डायरेक्ट माइनस ही कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 10x, क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये क्या है 216 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, इतना आपको अगर समझ में आ गया ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको, ठीक ये आपका कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा ये आपका
एक सेकेंड, जब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x हो गया इज इक्वल टू 260 और प्लस 30 हो गया आपका। तब सोल्व कीजिएगा तो 12x कितना आ जाएगा आपका, 12x आ जाएगा आपका 200। कहीं गलती करें, यहाँ यहाँ 60 होगा, ठीक है, यहाँ भी हम मिस्टेक किया है, यहाँ भी आएगा 60 हो जाएगा। इसको जब एड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 276। टूबेल से कितना टाइम्स हो जाएगा, टूबेल से देखिएगा ये जाएगा आपका 23 टाइम्स कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आपका आएगा 23। एक्स किसका मान रखे लो, एक्स मान रखे लो वर्किंग डे का, मतलब एक्स क्या है वो कितना दिन काम कर रहा है, इसका मतलब वो 23 डेज काम कर रहा है। काम कितना दिन कर रहा है आपका, 23 डेज काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग डे, वर्किंग डे पूछा कि कितना दिन काम करेगा। तो यहाँ तो निकल ही गया, एक सब लोग किसका मान रखे हैं, वर्किंग डे का मान रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 23 डे काम किया है, 23 डे वो काम किया है। और पूछता है कि वो कितना दिन काम नहीं किया, तो क्या होता है 30 अगर टोटल दिन काम चल रहा है तो 7 दिन वो काम नहीं किया है, 7 दिन वो क्या नॉन वर्किंग हो जा रहा है। और क्वेश्चन पूछा तब इसको बताता, पर क्वेश्चन ने पूछा कितना दिन काम किया था, तो क्या आंसर हो जाएगा 23 डेज हो जाएगा वर्किंग। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसको बनाइए आप। इसके लिए आपका ऑप्शन है, इसके लिए आपका ऑप्शन है, चलिए लिख देते हैं ऑप्शन। 26, ठीक, ऑप्शन बी है आपका 74, ऑप्शन सी है आपका 56 और ऑप्शन डी है आपका 64। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, इसको सॉल्व कीजिए आप जल्दी से। कल से क्या करते हैं आपका 1 आवर का वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम हो खत्म और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन क्या बोला है, इंडियन ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है आपका, टोटल आपका 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना है 100 क्वेश्चन है। फिर एग्जाम में क्या करा है, 4 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और आपका आंसर सही है तो उसके लिए कितना मार्क्स आपको मिलता है। अगर आपका आंसर सही है, सही आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 4 मार्क्स मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा आपको 4 मार्क्स। फिर आगे पढ़िए क्या करा है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 1 मार्क क्या हो रहा है आपका, काट लिया जा रहा है जब आपका आंसर गलत होगा, तो 1 मार्क क्या किया जाएगा आपका, काट लिया जाएगा। कब काटा जाएगा, जब आपका आंसर गलत होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। एक और चीज देखिएगा, फिर क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, टोटल मार्क्स कितना आया वो लड़का को, देखिएगा यहाँ पे आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर ले रहा है तो उसको कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसको देखिएगा 220 मार्क्स आ रहा है। अब पता क्या करना है उनको, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स रॉन्ग, कितना क्वेश्चन रॉन्ग बनाए वो लोग पता करना है। तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स उसका कितना आया है, यहाँ लिख लेते हैं टोटल मार्क्स उसका आया है, टोटल मार्क्स उसका आया है 220। अब चलिए मेथड लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मान लीजिए राइट हो गया आपका, राइट आंसर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो गया। राइट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या लोग मान लेते हैं राइट को, एक्स मान लेते हैं। और मान जाए एक्स क्वेश्चन और सही बनाया है टोटल में से, ठीक,
और एक क्वेश्चन टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, उसमें से एक और सही बनाया है तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना कितना मार्क्स का है वो हम लोग लगा देते हैं, जब टोटल उसका क्या है मार्क्स आया कितना है 270 आया है। अब देखिए राइट के लिए कितना नंबर कितना मार्क्स मिल रहा है उसको, 4 मार्क्स मिल रहा है, और देखिए रॉन्ग के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है उसको, तो -1 मिल रहा है, मतलब 1 कम हो जा रहा है, -1 आगे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 4x हो जाएगा -100 माइनस x इज इक्वल टू 270। अब क्या हो जाएगा ये आपका 3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 370 हो जाएगा। एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा तो यहाँ ए माइनस, ठीक है -100 ए प्लस हो जाएगा, ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा आपका, समझ आ गया। जब इससे आप काटिएगा 5 से कितने टाइम इसको काटिएगा, काटिए तो 5 से आप काटिएगा तो 5 यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और क्या हो जाएगा 4, मतलब एक्स का वैल्यू आपको कितना आया, एक्स इज इक्वल टू आपका 74 आया। तो आपने क्या किया है, 74 क्वेश्चन राइट बनाया, क्योंकि एक से देखिएगा एक सब किसके मान लिए, माने लो राइट आंसर के लिए, अगर आप राइट 74 बनाया है और टोटल अगर आपका 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपने सही कितना क्वेश्चन बनाया, 74 बनाया है, तो रॉन्ग के लिए क्या करेंगे, रॉन्ग के लिए 100 में से 74 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो रॉन्ग आंसर कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा सही है, तो देखिएगा हम लोग ऑप्शन सही है ए, यही क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे लोग, समझ में आ गया। देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है इतना समझ आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है इसको सॉल्व कीजिए आप, इसके लिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 9, बी है आपका 81, सी है आपका 76 और डी है आपका 87। डी आपका क्या है 87। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी, सभी को बनाना है, ठीक है सभी को ट्राई करें सॉल्व करने का। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था ना उसी बेस पे है, ठीक है ये भी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था सेम उसी बेस पे है ये भी क्वेश्चन, और पिछला अगर आपको समझ में आ जाए आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपको पक्का समझ में आ जाएगा, उसमें नो डाउट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑफ 90 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना है तो लिख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन आपका है, टोटल जो क्वेश्चन है आपका कितना है 90 है। अब आगे पढ़िए, 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट, जब आपका आंसर सही रह रहा है उसके लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, अगर आपका आंसर ठीक है आंसर सही है उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, उसके लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करा है, एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और 2 मार्क्स आपका काट दिया जा रहा है कब, जब आपका आंसर गलत हो, जब आपका आंसर गलत है क्या हो रहा है आपका 2 मार्क्स कट जा रहा है आपका, जब आंसर गलत हो तो आपका क्या होगा 2 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चन अ स्टूडेंट गॉट टोटल 330 मार्क्स, तो टोटल उसको मार्क्स मिला है, टोटल मार्क्स कितना मिला है बताइए, तो टोटल उसको मार्क्स मिला है कितना मिला है, उसको टोटल मार्क्स मिला है आपका, टोटल मार्क्स जो होगा 387 हो गए। चलिए जो प्रोसेस पीछे लगाए थे वही प्रोसेस फिर से लगाते हैं, पीछे हम लोग कौन प्रोसेस लगाए थे लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा ये रॉन्ग आंसर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, राइट को हम लोग एक्स मान लेते हैं लोग, राइट को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं लोग, ठीक है अगर एक्स आंसर वो सही बनाया है तो 90 में से एक्स माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 90 में से एक्स माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका रॉन्ग बनाया होगा, ठीक है इतना समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए उसको राइट के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, तो राइट के लिए देखिएगा यहाँ पे राइट के लिए देखिएगा यहाँ पे कितना मार्क्स मिल रहा है, राइट के लिए आपको मिल रहा है 5 मार्क्स, राइट के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है 5 मार्क्स मिल रहा है। फिर देखिएगा रॉन्ग के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, तो रॉन्ग के लिए 2 -2 क्या हो रहा है डिडक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है यहाँ पे -2 हो जाएगा जो डिडक्ट कर लिया जा रहा है, माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है अब आगे क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा
माइनस 180, अब माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितना मिला है, टोटल मार्क्स मिला है 387 इज इक्वल टू क्या करेगा, 387 कर लेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए इसको, जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये क्या करेंगे इधर 387 और प्लस 180 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 567। कितने टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 81 टाइम्स में। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू मतलब आया आपका 81। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये आपका 81 क्वेश्चन को राइट बनाया। पर क्वेश्चन वाला पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्ट, मतलब करेक्ट कितना बनाया, सही कितना बनाया। तो एक्स का वैल्यू क्या माना है, राइट है, एक्स क्या राइट के लिए वैल्यू है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, 81 क्वेश्चन सही बनाया है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आपको आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम किस किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिया, इस टाइप का पढ़ लीजिए, जैसे पेट्स दिया हुआ, ठीक है, कौन कितना मिश्री खाता है। उसके बाद हम देखे कि ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, कोई पार्किंग है, ठीक है, उसमें टू व्हीलर फोर व्हीलर्स लगा, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखा कि जो पिजन्स और रैबिट दिया है, हम लोग क्या करना है, पिजन्स या रैबिट की संख्या पता करना रहेगा, तो ये हम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमने देखा पैसा दिया हुआ है, जिसमें एक बैग में टू टाइप्स के क्वाइंस है, हम लोग पता करना है क्वाइंस। उसका अगला वाला टाइप हमने देखा जिसमें एक लेबर काम कर रहा है कहीं भी, ठीक है, जिसमें काम करने के लिए अलग पैसा मिलता है और काम करने के लिए कुछ पैसा काट लिया जाए उसके सैलरी में से, वो हमने देख लिया। उसमें देखा कि एक बच्चा क्या है, वो एग्जाम देता है, जिसमें कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता है, कितना रॉन्ग करना है, ये हम लोग पता करना है, ये भी देख लिया। और लास्ट क्वेश्चन हमने यही देखा, ठीक है। आपका वीडियो ये होगा यहीं पे समाप्त, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल जाता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।